अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने स्टार्ट कर दी थी ईद की तैयारी, और यहाँ पे मैं फेशियल कर रही थी। ये डर्माशाइन की फेशियल किट है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। फेशियल करने के बाद ये मैंने राइस फ्लोर ले लिया था, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और बाद में इसमें शहद ऐड किया था, और इसको मिक्स करने के बाद ये बन गया था एक अच्छा सा फेस पैक। फिर इसको अप्लाई कर लिया था फेस पे, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। आज अफ्तारी के साथ ही हम लोगों ने टीवी ऑन कर लिया था ये देखने के लिए कि कल ईद होगी या नहीं, और माशाल्लाह से चांद नज़र आ गया था। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमें मस्जिद में से ब्रोस्ट का एक डिब्बा मिला था, जिसमें था एक ब्रोस्ट का पीस था, साथ फ्राइज थे और साथ नान था, जो कि बहुत मज़े का था। और हर साल रमज़ान के लास्ट पे ना वो ज़रूर सब वहाँ पे जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना उनको देते हैं। खैर, हम लोगों से सबसे ज़्यादा अनाबिया ने इसको बहुत इंजॉय किया था, क्योंकि इसमें स्पाइस जो थी ना बिल्कुल नॉर्मल सी थी। यहाँ पे मैंने अपने ईद के कपड़े प्रेस करके रख लिए थे। ये मेरा सेकेंड डे का ईद का ड्रेस था, जो अब मैं फर्स्ट डे पहनूंगी। इसकी मैंने लॉन्ग शर्ट बनवाई थी, और साथ इसके चिकनकारी का ट्राउज़र है और साथ शिफॉन का दुपट्टा है, और ये बहुत प्यारा ड्रेस मुझे लगता है। और हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था तंदूरी शवारमा फूड पांडा से, जो बहुत मज़े का आया था। वैसे तो मैंने शवारमे बहुत ज़्यादा खाए हुए हैं, लेकिन ये तंदूरी शवारमा मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, जो बहुत मज़े का था। और इसमें स्पाइस भी जो थी ना वो तकरीबन नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी, और इसकी फिलिंग भी जो थी ना वो भी अच्छी खासी थी। शवारमा वगैरह खाने के बाद आ गए थे हम लोग अपनी छोटी खाला की तरफ। यहाँ पे सबको मेहंदी लगाई जा रही थी, मेरी कज़न को मेहंदी लगानी आती है और वही सबको मेहंदी लगा रही थी, और सब ने ही मेहंदी लगवाई थी सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कुछ को मेरी भाभी ने मेहंदी लगाई थी, उन्हें मेहंदी लगानी आती है इसलिए, और कुछ लोगों ने मेहंदी लगवा के तो थोड़ी देर बाद इसको धो लिया था, जिसका कलर बहुत अच्छा आया था। और ये मेरी हाला के हाथ की मेहंदी देखें, इन्हों सही दुल्हनों वाली लगाई हुई है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन अगर किसी फंक्शन पे ये इस तरह की मेहंदी लगाई जाए ना, शादी वगैरह के फंक्शन पे, तो ये बहुत प्यारी लगे। और ये मेरी भाभी ने मेहंदी लगाई हुई थी, और ये यहाँ पे बच्चों ने मेहंदी लगवा के थोड़ी देर बाद हाथ धो लिए थे, जिसका कलर बहुत अच्छा आया था। और फिर हम लोगों ने खाए थे माल्टे, ये हम लोगों ने फ्रिज में रख के पहले अच्छी तरह ठंडे किए थे, फिर उसके बाद खाए थे। और घर वापस आके हम लोगों ने खाया था कीमे वाला नान, क्योंकि हमें भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी इस टाइम पे। और रात को हमने गोल गप्पे वगैरह मंगवा लिए थे, और फिलिंग का सामान वगैरह अभी तैयार करना था, लेकिन हमारी गैस बंद हो गई थी, इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। साथ ही होता है आज के हमारे व्लॉग का एंड। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फीमान अल्लाह।